नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर ऑफ जयपुर एलर्जी एंड अस्थमा सॉल्यूशन से बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। इस मौसम में जब मई और जून का महीना चल रहा है, ज्यादातर लोगों की सोच ये होती है कि गर्मियों में अस्थमा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस मौसम में अस्थमा जोर पकड़ता है, स्पेशली उन लोगों में जो कूलर में रहते हैं। कूलर से क्या फर्क पड़ता है, कूलर से हमें खांसी क्यों होती है, खासतौर पर उन लोगों को जिनको एलर्जी है या अस्थमा है। कूलर के कारण क्या होता है, हमारे कमरे की इंडोर ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है। इस सेंस में एसी बेहतर होता है। अगर आप एसी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एसी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कूलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो दो चीजें हैं जो आपको परेशान कर सकती है। एक है हाउस डस्ट माइट, जो कि एक बहुत ही सूक्ष्म नन्ना माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। ये हमारे गद्दे, तकिए, जो कारपेट्स हैं, इस तरह की चीजों में जगह बना लेता है और हमारे शरीर से गिरने वाले कणों पे ही इसका भोजन चलता है। इस तरह से जैसे हम कूलर का इस्तेमाल शुरू करते हैं मई जून के महीने में, इंडोर ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण हमारे बिस्तरों में इसकी संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जिन लोगों को हाउसेस माइट एलर्जी होती है वो इससे परेशान होते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया के लगभग 50% अस्थमा एवं एलर्जी के मरीज हाउसेस माइट के कारण ही उनको एलर्जी होती है। दूसरी जो चीज होती है वो होती है फंगस या मोल्ड, जो कि इंडोर ह्यूमिडिटी के कारण बढ़ जाती है। अब जो लोग कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि दिन में 2-3 घंटे कम से कम उस कमरे का वेंटिलेशन रखें। साथ ही साथ गद्दे, तकिए, ओढ़ने की जो हमारी चादर होती है इसको धूप में एक्सपोज करें, जिससे कि हाउसेस माइट उसमें मर जाए। साथ ही साथ जो हमारी बेडशीट है उसको कम से कम 7 दिन में एक बार खोलते हुए पानी में लगभग 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 मिनट उबालना चाहिए। अगर इन दो चीजों का हम ख्याल रखेंगे तो हमारे कमरे की ह्यूमिडिटी कम कर देंगे। साथ ही साथ हम इनको सनलाइट एक्सपोज करेंगे, वीकली वॉश करेंगे खोलते हुए पानी में, तो काफी कुछ हमारे अस्थमा या खांसी के एक्सेसिबेशन को कम किया जा सकता है। आज हम इतनी बात करेंगे। धन्यवाद।